गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए, लास्ट क्लास हमने वेरियस टाइप्स ऑफ हाफ इलेक्ट्रोड्स या हाफ पोटेंशियल सेल्स के बारे में डिस्कस कर लिए थे। अब हम क्या करेंगे, आज नॉन स्टिक्यूएशन पे कैसे हम कंप्लीट सेल रिएक्शन यूज करते हैं उसको सीखेंगे। सो टुडेज हेडिंग इज यूजिंग नॉन स्टिक्यूएशन ऑन अ कंप्लीट सेल। पहले जिसके लिए हम डिस्कस करेंगे वो क्या है हमारा, डैनियल सेल। अच्छा, हम हर बार डैनियल सेल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये सेल सिंपल होता है ना। हाँ, इस ये सेल का रिएक्शन हमेशा कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस। ये अपने आप होता रहता है, यानी कि जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में अपने आप कन्वर्ट होती रहती है। उसके लिए हमें कोई एक्सटर्नल सोर्स की अलग से रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सही है। चले, दूसरी चीज, इसके लिए कुछ स्टेप्स होंगे जो हम फॉलो करेंगे, और जहां ये लेक्चर आप देख लेंगे कंप्लीट, उसके बाद अब आपको आपके चैप्टर की थोड़ी थोड़ी फील आने लगेगी। अब आपको समझ में आ जाएगा कि कब हम क्यों और क्या कर रहे हैं। देखते हैं, मेरे पास एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ठीक है। इस एग्जाम्पल के साथ हम आगे प्रोसीड करेंगे। याद है डैनियल सेल में हमने जो डायग्राम बनाया था उसमें जिंक को हमने क्या लिया था, एनोड। क्यों? क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन आसानी से हो सकता है एज कम्पेयर टू कॉपर। रीजन में हमने वहाँ पे क्या एक्सप्लेन किया था, जिंक इज मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, यानी कि जिंक की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कॉपर की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी से क्या है, ज़्यादा है। तो जिंक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके क्या बनाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडेशन शो करेगा। उसी तरह से अब क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन डोनर है तो दूसरा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो जो कॉपर के आयन्स होंगे, ध्यान रहे कॉपर इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन्स कौन गेन करेंगे, कॉपर के आयन्स, सही है। तो ये हमारा किस तरह से काम आएगा, ऑक्सीडेशन। हमने एक टर्म आपको बताया था लोन, हमने कहा था इस कीवर्ड की हेल्प से हम डिसाइड कर लेंगे कि कब किस साइड में किसे रखना है। लोन स्टैंड्स फॉर लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन। तो देखिए, ये हमारा लेफ्ट साइड है, यहाँ हम क्या बनाएंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरी चीज, ये क्या होता है, एनोड टर्मिनल होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, क्या हो सकता है कभी हमें यहाँ पर रिडक्शन में लिखना पड़ जाए, अगर हम चाहें कि तो लेफ्ट साइड में लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं, लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन एक मेरा जो स्टैंडर्ड वे है वो यही रहेगा, सही है। आगे बढ़े, तो चलिए इसके लिए हम टोटल 3 स्टेप्स यूज करेंगे। कितने, 3 स्टेप्स की टेंशन मत लीजिए। पहले बार में तो आपको काफ़ी थोड़ा सा लेंदी लगेगा, लेकिन जहां आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया ये अपने आप आपको याद हो जाएंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या करना आपको, राइट अ बैलेंस्ड कंप्लीट सेल रिएक्शन। कंप्लीट सेल कैसे लिखेंगे, पहले दोनों हाफ लिख लेंगे, कौन कौन से, हाँ एक हो जाएगा ऑक्सीडेशन हाफ सेल, दूसरा हो जाएगा रिडक्शन हाफ सेल, या फिर जिसको हम एनोड सेल या कैथोड सेल भी बोलते हैं, वो लिख लेंगे। फिर दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ऐड करने से पहले, हाँ ऐड करने से पहले हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखते हैं, क्या है वो, हाँ हम नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज निकालते हैं। नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कैसे निकालते हैं, टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। क्या हम दोनों को ऐड करके निकालते थे, नहीं, हम तो ये चेक करते हैं कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज हो रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो नेट इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, हम दोनों सेल्स को कंबाइन कर देंगे, ऐड करेंगे, उसके बाद हमारा जो सेल रिएक्शन मिलेगा वो क्या होता है, कंप्लीट सेल रिएक्शन। इसके करने के बाद, तो चलिए इसको फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। बताइए, पहले हम एनोड लिख लें, तो देखिए एनोड हाफ सेल पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो बताइए कॉपर ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या है, कॉपर से कॉपर आयन मिलेगा, और अगर जिंक है तो जिंक से जिंक आयन मिलेगा। तो आप हमें ये बताइए कि जिंक और कॉपर में किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, जिंक की, यानी कि जिंक मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। और पीछे भी हमने देख रखा था कि हम जिंक को क्या बनाते हैं, एनोड पे रखते, क्यों, क्योंकि जिंक इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट कर सकता है एज कम्पेयर टू कॉपर। कॉपर भी दे सकता है, लेकिन कॉपर की देने की टेंडेंसी कम होती है, तो हमारा जो ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट होगा वो कौन होगा, जिंक। तो देखिए जिंक किस में कन्वर्ट होगा,
जिंक आयन में। अच्छा, जिंक से जिंक आयन बनने के लिए पता ये क्या करेगा, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, डोनेट कर देंगे मतलब माइनस कर देंगे। अच्छा, क्या हम रिएक्शन में माइनस लिखते हैं? नहीं लिखते। तो इस माइनस को उठा के, इस माइनस को उठा के हम इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स। देखें पहला सेल रिएक्शन यही है, जिंक माइनस टू इलेक्ट्रॉन विल गिव अस जिंक आयन, जिसको हम इस वे में लिखते हैं, सही है। अब देखिए जिंक तो सॉलिड है, लेकिन जिंक आयन जितने भी आयन्स हमें किस फॉर्म में मिलते हैं, एक्वस फॉर्म में, तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, एक्वस फॉर्म, इतना कर सकते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, कैथोड हाफ सेल। हाँ, अब हम लिखने जा रहे हैं कैथोड हाफ सेल। बताइए कैथोड हाफ सेल पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, यानी कि कॉपर के जो आयन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे होंगे। तो देखिए कॉपर टू प्लस दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा, कॉपर मेटल सॉलिड फॉर्म में, सही है। अब हमारा जो काम है वो है नेट सेल रिएक्शन लिखना। उसके लिए नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज पहले देख लीजिए, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स टू, यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन्स टू, तो बताइए नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज एन की वैल्यू कितनी आएगी, टू या फोर? हाँ, कितनी आएगी, टू आएगी, कर सकते हैं। चलिए रिएक्शन लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इनको ऐड कर देंगे। तो देखिए जब एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल को ऐड करेंगे तो जिंक प्लस कॉपर आयन आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा, ये इलेक्ट्रॉन देख की साइड में, लेफ्ट साइड में, ये इलेक्ट्रॉन किस साइड में है, राइट साइड में, एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब देखिए राइट साइड में क्या मिलेगा, यहाँ का जिंक आयन और यहाँ का कॉपर, ठीक है, कर सकते हैं। तो चलिए ये था हमारा फर्स्ट स्टेप, बहुत ही सिंपल सा, जहाँ फर्स्ट स्टेप आपने कंप्लीट किया वहीं पे आप दो चीज़ों को कैलकुलेट करके लिख लिया करिए, कौन कौन से, एक तो एन की वैल्यू, दूसरी हाँ रिएक्शन कोशेंट भी वही निकाल लिया करिए। तो देखिए एन की वैल्यू तो यहाँ पर टू है, रिएक्शन कोशेंट कैसे लिखते हैं, हाँ कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में देखिए कौन कौन से हैं, एक जिंक आयन और दूसरा कॉपर, तो जिंक आयन का तो कंसंट्रेशन हम लिखेंगे, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, एक को सेवन मोलर दे दीजिए, एक को सी टू मोलर, ठीक है, या फिर ऐसे रहने दिए। अब ये जो कॉपर है ये तो किस फॉर्म में, सॉलिड, प्योर सॉलिड और लिक्विड के लिए कंसंट्रेशन या एक्टिव मास कितनी होती है, वन। अब चाहें तो इसके साथ जिंक आयन का आयन कंसंट्रेशन इंटू वन लिख सकते हैं, क्या इस वन के मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, यानी कि हम जो सॉलिड होते हैं या प्योर लिक्विड उनकी कंसंट्रेशन को सो ही नहीं करते, ऐसा नहीं कि उनका जीरो होता है, इसलिए क्योंकि वो वन होता है और वन के मल्टीप्लाई करने से हमारे रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आता। ऐसे ही देखिए इसका कंसंट्रेशन लिखना चाहिए, नहीं, इसका हाँ कर सकते हैं। अगर इनके पास रिएक्शन के कोफिशियंट्स होते हैं, यानी ये जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशियंट होते हैं, मान लीजिए यहाँ पर टू होता तो क्या करते, इसके पावर में टू लिख देते, अगर यहाँ थ्री होता तो यहाँ पावर थ्री लिखते। तो ये तो रहा रिएक्शन कोशेंट लिखना, एक एकदम जनरल वे हम दिखा रहे कि आपको अपनी स्टेप कैसे यूज करना है, आपकी क्वेश्चन में नंबर्स मिल सकते हैं तो आप उसी का अच्छा खासा ध्यान रखेंगे। चले अब आते हैं स्टेप सेकेंड पे, ये है हमारा कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। ध्यान रहे ये कैसा है, स्टैंडर्ड ईएमएफ, स्टैंडर्ड ईएमएफ क्या होते हैं, हाँ वो ईएमएफ जो कि स्टैंडर्ड कंडीशन पर मिलता है, और किसी भी एलिमेंट का जो स्टैंडर्ड ईएमएफ होता है वो क्या होता है, बिल्कुल ही फिक्स्ड होता है, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका, बहुत सिंपल है, ध्यान रहे इससे पहले जो आप ई नॉट सेल लिखते थे हाफ सेल में वो क्या होता था, ये जो इलेक्ट्रोड होता था ना, इस इलेक्ट्रोड की सिर्फ ई नॉट सेल होती थी, लेकिन अब जो हम ई नॉट सेल लिखेंगे वो ध्यान से देखिए, ये दो इलेक्ट्रोड के बीच का जो ईएमएफ होगा, हाँ इन दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रोड के बीच का ईएमएफ होगा उसे हम लिखेंगे। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पर ले लिए तो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, कर सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल था, हमने सीखा था फॉर्मूला था क्या था, ईएमएफ ऑफ द सेल का फॉर्मूला हमने बनाया था, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब बताइए अगर स्टैंडर्ड ईएमएफ हमें लिखना है, यानी कि ई नॉट सेल लिखना है, तो बताइए ये स्टैंडर्ड कंडीशन है तो ये दोनों भी क्या होने चाहिए, स्टैंडर्ड कंडीशन पे, यानी कि ई नॉट
कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। और उसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी होगी, ये जो हम स्टैंडर्ड ईएमएफ की वैल्यू ले रहे हैं, चाहे कैथोड की या एनोड की या सेल की, ये सब वैल्यू कौन सी हैं? हाँ, सब रिडक्शन के लिए हैं। अगर आपके क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन दिया है तो आप जरूर से चेक करके उसको क्या बनाएंगे, रिडक्शन में कन्वर्ट कर लिया करेंगे। अभी जो आपको समझना है वो क्या है, हाँ, कि अगर हाफ सेल की बात करते हैं तो हम सिर्फ एक इलेक्ट्रोड की ईएमएफ वैल्यू लेते थे, यहाँ भी हम ईएमएफ ले रहे हैं, लेकिन इस बार का जो ईएमएफ हम ले रहे हैं वो ईएमएफ किसका है, दोनों ही सेल के बीच का है। कर सकते हैं, तो देखिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ई नॉट ऑफ कैथोड और ई नॉट ऑफ एनोड आपको क्वेश्चन में दिया ही रहता है, ठीक है, आप वहां से उसकी वैल्यू रखेंगे। इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो भी चाहे आप कैथोड की वैल्यू रखें या एनोड की, वो वैल्यू हमेशा किस में रखेंगे, आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि एसआरपी वैल्यू रखेंगे। हाँ, आप वही रखेंगे जिसमें कि रिडक्शन हो रहा हो। अगर मान लीजिए आपको दिया है ई नॉट, ये तो ठीक है, मान लीजिए आपको दिया है ई नॉट जिंक चेंजेस टू जिंक आयन इज 0.3 वोल्ट, तो आप अपने इक्वेशन में डायरेक्ट इस वैल्यू को पुट नहीं कर सकते। सोचिए क्यों, क्योंकि देखिए ये क्या है, जिंक से जिंक आयन चार्ज बढ़ रहा है ना, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यानी ये जो वैल्यू है वो क्या है, SOP है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हमें यहाँ पे SRP रखना है तो हम क्या करेंगे, इसका निगेटिव लिखेंगे, यानी कि यहाँ हम लिखेंगे -0.3 वोल्ट। अगर ये निगेटिव पहले से होता तो हम क्या करते, उसको पॉजिटिव कर देते, क्योंकि इतना तो पता ही है SOP और SRP में एक दूसरे के नेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। चलिए स्टेप थर्ड, अप्लाई द नॉन्स्ट इक्वेशन। उसके बाद आप अपना नॉन्स्ट इक्वेशन अप्लाई करें, क्या है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, फिर लॉग ऑफ क्यू। ई सेल क्या है, सॉरी, ईएमएफ ऑफ द सेल, ई नॉट सेल स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, ये तो कॉन्स्टेंट वैल्यू एन, नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, क्यू क्या हमारा रिएक्शन कोसेंट। अब आपको एक छोटा सा कीवर्ड दिया जा रहा है, आपको कीवर्ड्स इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि हमारे कुछ चैप्टर्स 11th के आप नहीं पढ़े हैं तो आपको ये चीजें याद रखनी है। क्या होता है, देखिए पहला कीवर्ड, इफ ए इज इक्वल टू 1 कहीं लिख के दे दिया, जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है, उस रिएक्शन में आपको दे दिया ए इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब वो क्या कह रहा है, जो कंसंट्रेशन होगा उसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, यानी कि ए जो एक्टिव मास, ए का मतलब है एक्टिव मास, ये आपको किसकी वैल्यू देती है, कंसंट्रेशन की। तो कई बार आपको साफ साफ कंसंट्रेशन दिया रहता है 1 मोलर 0.2 मोलर ऐसे करके लिख के, कई बार नहीं दिया रहेगा, आपको लिख दे रहा है ए इज इक्वल टू 1, तो आपको मान के चलना है कि उस रिएक्शन की कंसंट्रेशन के टर्म्स कितना होगा, वैल्यू 1 होगा। चलिए एक बात दूसरी, अब ये देखिए क्या है के ए, या आपको ये के ई क्यू के नाम से देखने को मिलता है, हाँ ये तो आप जानते हैं ना, क्या इसको बोलते हैं हम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ये क्या हमारा रिएक्शन कोसेंट, सही है। अब देखिए अगर रिएक्शन कोसेंट की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से काफ़ी छोटी हो, ध्यान दीजिएगा, अगर रिएक्शन कोसेंट की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से काफ़ी छोटी हो तो देखिए क्या होगा, ये जो Q की वैल्यू होगी वो अपने आप को बढ़ाना चाहेगा। एक्चुअली होता क्या है, देखिए मान लीजिए कोई एक रिएक्शन है A प्लस बी चेंजेस टू C, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे अगर आपको दिया गया है, तो देखिए इस केस में जो रिएक्शन कोसेंट होगा यानी कि Q और जो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट होगा ये दोनों इक्वल होते हैं। अब मान लीजिए अगर Q की वैल्यू छोटी है, क्योंकि वैल्यू छोटी है, तो बताइए ये तो चाहेगा ना, क्यों तो चाहेगा कि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वल हो जाए, क्यों, ताकि स्टेबल हो जाए। इस केस आने के बाद जब क्यू और के ई क्यू यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल होते हैं तो इसको स्टेबिलिटी मिल जाती है,
तो हर चीज़ चाहता है कि वो स्टेबल हो, यानी कि क्यू अगर छोटा है तो हमेशा चाहेगा कि वो अपनी वैल्यू को बड़ा करे, अगर क्यू बड़ा है तो क्यू चाहेगा अपनी वैल्यू क्या करे, छोटा करे। अब अगर मान लीजिए किसी रिएक्शन में क्यू की वैल्यू बढ़ रही है, अगर किसी रिएक्शन में क्यू की वैल्यू बढ़ रही है तो देखिएगा क्या होता है। नेक्स्ट इक्वेशन लगाइए, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ क्यू, ये होता है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर क्यू बढ़ाएंगे तो लॉग क्यू की वैल्यू बढ़ेगी, लॉग क्यू की बढ़ेगी वैल्यू तो ये पूरा टर्म बढ़ेगा, लेकिन ये पूरा टर्म कैसा है, नेगेटिव में है ना, नेगेटिव में, यानी कि ओवरऑल ई सेल की वैल्यू बढ़ेगी या घट जाएगी, हाँ घट जाएगी। यहाँ पर ई सेल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यू, आप डायरेक्ट तो नहीं कह सकते क्योंकि ये चीज पिछले भी आर में हमने डिस्कस किया था कि हम डायरेक्ट रिलेशन नहीं दे सकते, सिर्फ प्रॉब्लम क्या करेगा लॉग, क्योंकि लॉग की वैल्यू हमारे जनरल वैल्यू से क्या होती है, अलग आती हैं। लेकिन हाँ, जैसे आप ई सेल बढ़ाएंगे क्यू की वैल्यू और घट जाएगी, लेकिन अगर आप क्यू की वैल्यू बढ़ा दिए तो ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो देखिए, जब भी क्यू की वैल्यू छोटी होगी तो क्यू चाहेगा कि धीरे धीरे हम क्या करें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अटेन करें, यानी कि अपनी वैल्यू को बढ़ा करें। ये जब भी बड़ा करेगा, यानी कि उस रिएक्शन में जो ईएमएफ ऑफ द सेल होगी या जो करंट फ्लो हो रही होगी वो वैल्यू क्या होगी, लगातार घट रही होगी। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, एक छोटा सा कीवर्ड है, आगे हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में यूज करना पड़े, इसलिए हम आपको बता दिए। तो चलिए एक बार इसको आप पढ़ लीजिए, देखिए क्या दिया है, रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड, तो क्या करेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेगा, क्यों, ताकि अपनी क्यू की वैल्यू क्या कर सके, बढ़ा सके, टू गेन द स्टेबिलिटी एंड इंक्रीज इट्स वैल्यू टिल क्यू बिकम्स इक्वल टू के ए, के ए का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब चाहें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, के इक्विलिब्रियम, के ई क्यू भी लिख सकते हैं, सही है। और जैसे जैसे क्यू की वैल्यू बढ़ेगी, करंट की वैल्यू वैसे वैसे लगातार क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। चलिए तो आइए डिस्कस करते हैं, अब हम इक्विलिब्रियम कंडीशन पे भी बात कर लेते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर अ रिवर्सिबल सेल। अभी तक हम कौन सी सेल बात कर रहे थे, डैनियल सेल, अब हम किसके लिए बात करेंगे, रिवर्सिबल सेल। रिवर्सिबल सेल का मतलब हाँ वो दोनों की तरह काम कर सकता है। तो देखिए, ये रिलेशन तो हम पहले ही पढ़ चुके थे, डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ क्यू होती है ना। इसी से हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था जिसको हम क्या कहते हैं, नॉनस्टिक इक्वेशन कहते हैं, ये बात समझ में आ रही है। चलिए अब एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होगा बताइए, करंट फ्लो हो रही होगी कि नहीं, नहीं हो रही होगी, ये तो हमने पहले ही पढ़ रखा है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पर ई सेल की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। पिछले लेक्चर्स में हमने एक चीज़ बताई थी आपको, स्पॉन्टेनिटी जब हम पढ़ा रहे थे, कि अगर ई सेल की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो क्या होगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, यानी वो अपने आप होता रहेगा। अगर ई सेल की वैल्यू जीरो हो गई तो कौन सी कंडीशन आ जाती है, इक्विलिब्रियम। ध्यान रहे हम ई सेल से डिस्कस कर रहे हैं, ई डॉट सेल नहीं, इक्विलिब्रियम। अगर ई सेल की वैल्यू जीरो से भी क्या हो जाए, छोटी, लेस देन जीरो हो जाए, तो क्या होगा, तब तो हमें एनर्जी देना पड़ेगा ना उसको रिएक्शन कराने के लिए, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। ये सारी बातें हो चुकी थी, अभी देखिए हम इक्विलिब्रियम कंडीशन पर अगर बात करें तो हम इस कंडीशन को यूज करेंगे, ये चीज़ याद रखना आपको, सही है। देखिए एट इक्विलिब्रियम कंडीशन डेल्टा जी की वैल्यू जीरो होती है, इसीलिए ई सेल की वैल्यू भी जीरो होती है, या फिर अब डायरेक्ट आपको याद है तो आप डेल्टा जी जी को छोड़ दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है आपको, ई सेल की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो, लेकिन ई नॉट सेल की वैल्यू जीरो नहीं होती है, ठीक है, इसी का ध्यान रखना है। कई बार बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, वो इसको जीरो कर देते हैं, नहीं, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे दो इलेक्ट्रोड के बीच का ईएमएफ जीरो हो जाता है,
क्यों होता है? क्योंकि जो बाहर एक्सटर्नल बैटरी लगाई होती है उसका करंट और जो पहले से उस रिएक्शन में करंट फ्लो हो रही थी, दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है? सेम। एक आ रहा होता है, दूसरा जा रहा था, वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होते हैं। हाँ, वही कंडीशन है, सही है। तो देखिए, ई सेल तो जीरो हो जाएगा लेकिन ई नॉट सेल की वैल्यू जीरो नहीं होती है। चलिए, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, हाँ इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्यू किसके इक्वल हो जाता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है। अभी तो हमने डिस्कस किया कि जब क्यू की वैल्यू छोटी होती है तो वो खुद को इक्विलिब्रियम कंडीशन पे लेके जाने के लिए अपनी वैल्यू को लगातार बढ़ाता रहता है, और तब तक बढ़ाएगा जब तक क्यू और के इक्यू यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। ऐसा क्यों करता है? वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्यू की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? के इक्यू की। तो बस अब हम इसी वैल्यू को, कौन कौन सी वैल्यू यूज करेंगे हम? एक तो ये यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि मेरे नॉनस्टिक इक्वेशन में क्यू आता है ना, तो हम एक ये यूज कर लेंगे। दूसरा केस ये, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में ई सेल की वैल्यू जीरो होती है, इन दोनों वैल्यू उठा के हम कहाँ रख देंगे? अब नॉनस्टिक इक्वेशन में। फिर उसके बाद देखिए जो हमारा रिलेशन बनेगा वो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए रिलेशन बनेगा। देखिए हमारा नॉनस्टिक इक्वेशन क्या कहता है? ई सेल इज इक्वल टू, तो देखिए ई सेल यहां पर हम लिख देते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ क्यू। ये है हमारा नॉन इक्वेशन। अब ध्यान से देखिएगा, नॉन इक्वेशन को अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन पे लगाएं तो बताइए ई सेल की वैल्यू क्या होती है? जीरो। तो यहाँ हमने रख दिया जीरो। अभी हमने कहा ना इन आउट सेल की वैल्यू जीरो नहीं होती है, तो आप इन आउट सेल ऐसे रखेंगे माइनस 0.0591 अपॉन एन, ये भी यही रहेगा लॉग। अच्छा, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। तो क्या हम क्यू के जगह पे के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं ना। तो बस बन गया रिलेशन। अब देखिए क्या करना है, ये जीरो है तब हमें ई नॉट सेल की वैल्यू निकालनी है। अब क्या करें, इस ई नॉट सेल को उड़ा के इधर लेके आइए। इधर देखिए बन जाएगा क्या, माइनस ई नॉट सेल, ये माइनस कैंसिल, यानी कि आपको रिलेशन मिल जाएगा जो ई नॉट सेल की वैल्यू होती है कब? इक्विलिब्रियम कंस्टेंट के कंडीशन पर ई नॉट सेल की वैल्यू 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल आती है। तो क्या आपको ये फॉर्मूला रटना है? फिर से नहीं, फॉर्मूले रटने नहीं हैं। तो फिर कैसे करेंगे? आपको कंडीशन याद रखना है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होगा? हाँ अच्छा, आप ऐसे समझिए ना, अगर मैं एक बॉटल वाटर लेके उसको ऊपर से गिराऊं नीचे, तो क्या होगा? वो नीचे जाएगा ना, यानी कि जब भी ई सेल की वैल्यू बड़ी होगी तो इलेक्ट्रॉन अपने आप मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो करंट का फ्लो होता रहेगा, तो वो क्या होगा? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। यानी कि ई सेल की वैल्यू अगर जीरो से बड़ी है तो उस केस में हमेशा क्या होगा? रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन अगर हम दोनों की वैल्यू सेम कर दें तो उस केस में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रुक जाता है, उस केस में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रुक जाएगा। अगर रुक गया तो उस केस में इक्विलिब्रियम कंडीशन मिलती है और ई सेल की वैल्यू जीरो हो जाती है। उम्मीद आपको क्लियर है, नहीं है तो एक बार और ट्राई करके देख लीजिए। मान लीजिए कंटेनर है, इसमें लिक्विड फिल है, ठीक है, एक और कंटेनर हमने बना दिया, वो खाली है, ये कंटेनर खाली है। अब मैंने यहां पे होल किया और इस होल को एक पाइप से यहां हमने जोड़ दिया, बताइए क्या होगा? हाँ, वाटर फ्लो होगी ना इसमें से इसमें। कब तक फ्लो होगी? जब तक इसकी लेवल और इसकी लेवल इक्वल ना हो जाए। जब ये दोनों का लेवल इक्वल हो जाएगा, क्या उसके बावजूद भी वाटर इसमें से इसमें या इसमें से इसमें आएगा जाएगा? नहीं, फिर तो रुक जाते हैं। यही चीज अगर ई सेल की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तब तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता रहेगा, यानी करंट फ्लो करेगी, तो ये हमेशा कौन सा रिएक्शन होगा? स्पॉन्टेनियस। अगर ई सेल की वैल्यू क्या हो गई, ठीक है, ई सेल की वैल्यू दोनों की इक्वल हो जाएगी, ठीक है, तो उस केस में क्या मिल जाएगा हमें? इक्विलिब्रियम कंडीशन। और वो कब होता है? जब ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। तीसरी केस, अगर ई सेल की वैल्यू लेस देन जीरो हो गई तो क्या करेंगे? हाँ,
उस केस में हमें बाहर से एनर्जी ला के देना पड़ेगा। अब अगर हम ये कहें कि इसमें से यहाँ पे तो कुछ है नहीं, अभी मान लीजिए अब हम आपको कह रहे हैं कि मान लीजिए इसमें इतना सा पानी है और इसमें इतना पानी है और हम ये चाहते हैं कि इसमें का पानी इसमें जाए, क्या वो अपने से कभी जाएगा? नहीं, हमें यहाँ पर ट्यूबवेल मोटर कुछ ना कुछ लगाकर इसको ज़बरदस्ती भेजना पड़ेगा। तो देखिए हमने एक्सटर्नल हेल्प ली, इसलिए ये कैसा हो गया? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो आपको ये छोटी सी चीज़ हमेशा याद रखनी है, आपको बस ये कंडीशन याद रखना है, जहाँ आपने कंडीशन याद रखा फॉर्मूले तो अपने आप बन जाएंगे। तो देखिए यहाँ से कुछ रिलेशन बना सकते हैं आप। अब देखिए ई नॉट सेल की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे। अब बताइए अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बड़ी है जीरो से, यानी कि पॉजिटिव होगी, तो ये पॉजिटिव, तो ये पूरा पॉजिटिव, ये पूरा पॉजिटिव, तो बताइए ई नॉट सेल भी कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। अब बताइए अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जीरो से छोटी है, यानी कि माइनस में है, नेगेटिव, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? माइनस में, यानी कि ई नॉट सेल की वैल्यू भी क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। तीसरा, अगर मेरी ये वैल्यू के इक्विलिब्रियम की वैल्यू जीरो हो गई तो क्या? तो ये जीरो, तो लॉग जीरो की वैल्यू जीरो और ये सब वैल्यू भी क्या हो जाएगी? जीरो। एक और कंडीशन है, ध्यान से देखिएगा, आपको पता है ना लॉग की कौन सी वैल्यू जीरो होती है? हाँ, लॉग वन की वैल्यू जीरो होती है। अगर ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अगर हम वन पा गए कहीं, तो बताइए ये लॉग वन की वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये पूरा टर्म भी क्या हो जाएगा? जीरो। तो ई नॉट सेल भी जीरो हो जाएगा। तो आपको ये छोटे से तीन कंडीशन बस याद रखने हैं। याद क्या रखने हैं? आप हमेशा बना सकते हैं, अगर के इक्विलिब्रियम की वैल्यू मोर देन वन है तो वैल्यू हमेशा क्या आएगी? ई नॉट सेल की पॉजिटिव। अगर के इक्विलिब्रियम की वैल्यू लेस देन वन है तो हमेशा क्या आएगी? नेगेटिव। अगर के इक्विलिब्रियम की वैल्यू सिर्फ वन आ गई तो उस केस में आपका ई नॉट सेल की वैल्यू कितना आ जाएगा? जीरो। चलिए अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। चलिए तो मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, आप एक बार चाहें तो इसको ट्राई कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिए और एक बार खुद से ट्राई करिए, कर सकते हैं। देखिए क्या दिया है, SN changes to SN2 plus and PB2 plus changes to PB। ये आपको कंप्लीट सेल पहले से दिया गया है, हाँ इसमें आपको सेल बनाने की जरूरत नहीं है, आपको कंप्लीट सेल एक से पहले दे दिया है, E नॉट वैल्यू भी दी हुई है, बस आपको क्या करना है इसका EMF ऑफ द सेल निकालना है, यानी कि आपको ई सेल कैलकुलेट करना है, एक बात। दूसरी, कैलकुलेट करने के बाद ई सेल से आपको बताना है कि ये जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। तो फटाफट ट्राई करें, कर लिया होगा आपने, चलिए डिस्कस करते हैं। ये देखिए ये हमारा क्या बनेगा, एनोड हाफ सेल, SN changes to SN2 plus और वहाँ से क्या मिल जाएगा हमें? दो इलेक्ट्रॉन, कर सकते हैं। इसी तरह ये हमारा क्या बनेगा अब, कैथोड का रिएक्शन, कैथोड हाफ सेल बना सकते हैं। देखिए दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, तो नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना आ गया? टू का। और हमें यहाँ भी क्या लिखना होता है? रिएक्शन कोसेंट, तो वो भी कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है, पहले इनको ऐड कर लीजिए, ये रिएक्शन बन जाएगा कंप्लीट सेल की। रिएक्शन कोशन की वैल्यू देखिए क्या लिखेंगे आप, ये तो मेंशन ही नहीं होगा, ये मेंशन होगा, यानी कंसंट्रेशन ऑफ एस एन टू प्लस एक्वस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ पी बी टू प्लस एक्वस, ये और ये इनका कंसंट्रेशन हम मेंशन नहीं करते, क्यों? क्योंकि दोनों सॉलिड हैं और इनकी कंसंट्रेशन की वैल्यू हमेशा क्या आती है? वन। तो बस इनकी वैल्यू उड़ा के रखिए। देखिए आपको एस एन टू प्लस का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, कितना दिया है क्वेश्चन में देख लीजिए, हाँ SN2+ क्या है हमारा 1 मोलर है और PB2+ क्या है हमारा 10 टू पावर माइनस 3 मोलर, इसको यहाँ लिख लेते हैं। देखिए Q की वैल्यू
क्या आ गई 1/10⁻³। ये आ गया हमारा रिएक्शन कोसेंट। और क्या आ गया हमारे पास, अच्छा इसको और अच्छे से कैसे लिख सकते हैं, ओहो 1/10⁻³। इसको आप ऊपर लेके जाइए, ये क्या बन जाएगा 10⁻³ बन जाएगा, कर सकते हैं। चलिए एक चीज़ और हमने कैलकुलेट कर रखी है, नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज दैट इज 2। अब देखिए सेकेंड स्टेप क्या होता है हमारा, हाँ ई सेल कैलकुलेट करना, ई नॉट सेल। तो देखिए इसके लिए क्या फॉर्मूला बनता है, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। तो देखिए कैथोड हमारा कौन बना रहा है, लेड, ये हमारा कैथोड बना रहा होगा। कैसे पता चला हमें, क्योंकि ये देखिए लेफ्ट साइड में है ना, तो ये है हमारा एनोड और ये हमारा कैथोड। चलिए तो देखिए अगर ये मेरा कैथोड बना रहा है तो हमें इसका क्या चाहिए, ई नॉट सेल। तो देखिए ई नॉट सेल दिया हमें, पी बी टू प्लस चेंजेस टू पी बी की वैल्यू कितनी है -0.13 वोल्ट। अच्छा ये वैल्यू यूज करने से पहले हमेशा आपको चेक कर लेना कि ये जो वैल्यू दी है वो SRP वैल्यू है कि SOP है। अगर SOP दिया तो आपको पहले SRP बनाना है, सही है। तो देखिए PB2+ changes to PB, यहाँ पर 2+ चार्ज था, यहाँ पर 0 चार्ज, यानी कि ये भी क्या है SRP, सही है। ये देखिए SN2+ changes to SN, ये भी क्या है SRP, इनकी वैल्यू को डायरेक्ट पुट किया जा सकता है। तो देखिए पहले क्या लिखेंगे हम, कैथोड की वैल्यू -0.13, फिर ये माइनस लगाएंगे, फिर एनोड की वैल्यू ये भी है -0.14, यहाँ लिख देंगे -0.14। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये तो रह जाएगा -0.13, ये दोनों नेगेटिव क्या मिल के बन जाएंगे पॉजिटिव, और ये हो जाएगा 0.14। इसको सॉल्व कर देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव सब्ट्रैक्ट करना होगा, ये वैल्यू आ जाएगी 0.01 वोल्ट। ठीक है, ये आ गया हमारा ई नॉट ऑफ सेल, कितना आ गया 0.01। अब क्या करते हैं थर्ड स्टेप में नेक्स्ट इक्वेशन लगा देंगे। देखिए ई सेल का फॉर्मूला क्या बनता है, ई नॉट सेल -0.0591/n log(Q). अच्छा हमें कैसे पता चल रहा है कि यही लगाना है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन डिफाइन नहीं है, तो हम ये लगाएंगे नॉर्मल। देखिए ई सेल हमें कैलकुलेट करना है, ई नॉट सेल अभी आया था 0.01 माइनस, कैलकुलेशन पर्पज के लिए हम इसको क्या लिख लें 0.06 लिख सकते हैं। एन की वैल्यू कैलकुलेट किए थे हम, कितना आया था 2 log। अच्छा क्यू की वैल्यू देखिए कितने आया था, 10⁻³ आया था क्या, हाँ देखिए इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 0.01, ऐसे ही कॉपी कर लीजिए, इसको सॉल्व करिए देखिए ये हो जाएगा 0.03 log(Q). अच्छा log 10⁻³ कुछ भी हो, हम इसका शॉर्ट वे बताया था आपको, एक्सपेंड मत करिए, एक्सपेंड करके भी आंसर आ जाएगा। आप इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, सिर्फ हाँ 3 लिख सकते हैं, तो लिखिए ⁻³, ये हो जाएगा 0.01 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करिए देखिए ये हो जाएगा 0.09 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करिए देखिए कितना आ रहा है, ये पॉजिटिव वो नेगेटिव, माइनस करेंगे तो आंसर माइनस में आ जाएगा, आएगा ना माइनस में, हाँ ठीक। तो 9-1 = 0, ये आएगी वैल्यू -0.08 वोल्ट, क्या आ जाएगी -0.08 वोल्ट। ये देखिए आंसर यही आ रहा है -0.08 वोल्ट। अब देखिए ये जो ई सेल की वैल्यू आई है, ये वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी या छोटी, 0 से क्या है छोटी है, अगर 0 से छोटी है तो बताइए ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, हाँ ये रिएक्शन क्या होगा नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी हमें बाहर से एक्सटर्नल सोर्स लगा के इस रिएक्शन को कैरी आउट कराना होगा, ये अपने आप रिएक्शन नहीं होगी। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको दे देगा, आपको सॉल्व करने आना चाहिए, कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपके PDF फॉर्म में आपको मिल जाएगा, तो आपको परेशान होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ये पूरा सॉल्यूशन आपको यहाँ पर दिया गया। देखिए सिंस ई नॉट सेल इज लेस देन 0, देयरफॉर रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस इन नेचर। अब देखिए आपके पास एक छोटा सा होमवर्क है,
आप इसको ट्राई करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। आपको हर बार याद रखना है, गड़बड़ हमें पता है आप कहाँ करते हैं, जब आप ई नॉट सेल निकालते हैं तो फॉर्मूला तो आप सही लगाते हैं, हाँ फॉर्मूला थोड़ी ही भूलेंगे आप। दिक्कत आपकी यही होती है कि आप कोई भी वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं। आपको ये वैल्यू रखने से पहले चेक करना है जो वैल्यू आपको दी गई है वो एसओपी है या एसआरपी। अगर एसओपी दिया है तब पहले उसको एसआरपी बनाइए, कैसे, उसी को रिवर्स करके फिर वो वैल्यू यहाँ उठा के रखिए तो आपको आंसर मिलेगा। चलिए तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क है, आप आराम से ट्राई करेंगे हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा लेंथी होगा, हाँ होगा क्या, लेंथी है ही, लेकिन आपको ये बहुत कुछ नहीं सिखा के जाएगा, तो आप आराम से देखते हैं, समझने की कोशिश करिए, समझ में आ जाएगा। आप घर पे एक बार दो बार ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए इसी को, फिर आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। देखिए हमारे पास रिएक्शन दिया है फॉर द फॉलोइंग सेल, ये कंप्लीट रिएक्शन पहले से ही दिया हुआ है, ठीक है, और ये कह रहा है, ये डेटा भी हमारे पास दिए हुए हैं कुछ, हमें क्या निकालना है, इफ़ एन एमीटर इज कनेक्टेड देन प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो। अच्छा हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि करंट किस फ्लो में, मतलब किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही होगी, बहुत सिंपल सा है। अब ध्यान से देखिए, अगर ई सेल की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आएगा तो रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस, हाँ स्पॉन्टेनियस की मतलब ये कैसा काम कर रहा होगा, डेनियल सेल की तरह, यानी कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एनोड से कैथोड हो रहा होगा और करंट का मूवमेंट कैथोड से एनोड हो रहा होगा, क्योंकि करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो ये अगर डेनियल सेल की तरह काम किया तो ये कंडीशन आएगा, तो हमें चेक करना होगा कि ई सेल की वैल्यू क्या आ रही है। आप ध्यान समझिएगा, आपको समझना होता है कि कब किस क्वेश्चन हमें क्या निकालना है, ये तो पूछ ले डायरेक्शन ऑफ करंट, जब तक आप ई सेल नहीं निकालेंगे आपको पता नहीं चलेगा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर क्या पता जीरो आ गया तब तो फिर आपको डायरेक्शन ऑफ करंट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर तो करंट फ्लो कर ही नहीं रहा होगा। ये सब कुछ किस पर डिपेंड करेगा, ई सेल पे, सही है। तो चलिए स्टार्ट करते, पहला काम हमें क्या करना होगा, ई सेल कैलकुलेट करना होगा। डेटा दिया हुआ है देखिए, तो देखिए ई सेल निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा, पहले नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, दूसरा रिएक्शन कोशेंट निकालना होगा ना। तो देखिए अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इसका एनोड हाफ सेल लिखें, फिर इसे क्या लिखें कैथोड हाफ सेल, फिर दोनों का ऐड करें, या फिर हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दें, क्योंकि रिएक्शन तो दिया हुआ है। लेकिन समस्या एक ही आ रही है, आप सोच रहे होंगे क्या, कि हमें यहाँ पर नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कैसे निकालना होगा। तो देखिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखाते हैं हम, जिससे कि आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। आप देखिए Fe3+ किस में चेंज हो रहा है, Fe2+ में, यानी कि कितना चेंज आया, 1 का। ये देखिए Cg4+ किस में चेंज हो रहा है, Cg3+ में, यहाँ पे कितने का चेंज आ रहा है, 1 का। दोनों नंबर को निकाल के उनका एलसीएम निकाल दीजिए, हाँ दोनों नंबर निकाल के उनका एलसीएम निकाल दीजिए, जो एलसीएम की वैल्यू आती है वही एन की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो चलिए लिख लेते हैं 1। अब रिएक्शन कोशेंट की टर्म है, चलिए देखिए रिएक्शन कोशेंट कैसे निकालेंगे, उसके लिए तो रिएक्शन लिखना होगा ना फिर, हाँ प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट्स में लिखना है। तो चलिए देखते हैं, रिएक्शन ही लिख लेते हैं, क्या करना है। देखिए यहाँ पर क्या हमारा आयरन है और यहाँ पे हमारा क्या है सीजीएम है ना। तो देखिए इनका एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल हम लिख लेते हैं। देखिए ऑक्सीडेशन हाफ सेल जब आप लिखेंगे तो Fe2+ किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, Fe3+ में। देखिए शायद ये आपको डेटा यहाँ पहले से दिया हुआ था, नहीं दिया है, ठीक है। तो आप आपको सोचना पड़ेगा कि सर इसमें हम किसको, हाँ किसको एनोड बनाएंगे और किसको कैथोड बनाएंगे, कैसे पता चलेगा आयरन और सीजीएम में। तो आप किसी को भी एनोड बना लीजिए, किसी को भी कैथोड। अगर आपकी ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, यानी कि आपने जो माना था वो बिल्कुल क्या है, सही है। तो चलिए देखते हैं, हमने इसको क्या मान लिया, एनोड, यानी कि इसको ऑक्सीडेशन कराएंगे। तो ऑक्सीडेशन कैसे होगा, हाँ
Fe2+ से जब Fe3+ बनेगा, तो देखिए ऑक्सीडेशन हाफ सेल कैसे लिखेंगे हम, Fe2+ चेंजेस टू Fe3+, कितना प्लस एक इलेक्ट्रॉन, तभी तो ये दो चार्ज के इक्वल होंगे, कर सकते हैं। अब देखिए रिडक्शन हाफ सेल, Cgm4+ किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, Cm3+ में, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया होगा, तो यहाँ पे प्लस वन। अब नेट सेल रिएक्शन लिख लीजिए इनको ऐड करके, तो देखिए Fe2+ और Ce4+ एक साथ आ जाएंगे, Fe3+ और Ce3+ एक साथ आ जाएंगे, नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज जो हम ट्रिक से निकाले थे और जो यहाँ से दिख रहा है दोनों सेम है, देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना आ गया, फिर से वन आ गया। तो यहाँ से तो हमें n की वैल्यू मिल गया, और रिएक्शन कोसेंट निकाल लेते हैं। देखिए रिएक्शन कोसेंट कैसे निकालेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, अच्छा इसमें तो दोनों ही हैं, चलिए क्योंकि दोनों ही इक्वल टर्म में है तो दोनों कंसंट्रेशन ले लीजिए, Fe3+ यहाँ पर Ce3+ अपॉन इस साइड, देखिए तो इस साइड भी दोनों इक्वल हैं, तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ Fe2+ एंड कंसंट्रेशन ऑफ Ce4+, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन। अब वैल्यू रखते हैं, देखिए हमारे क्वेश्चन में इनके बारे में कुछ कहा होगा ना, देखिए हाँ बस देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, A=1 कीवर्ड में अभी सिखाया था हमने, जहाँ पे एक्टिव मास वन दे देगा, यानी कि कंसंट्रेशन आपको क्या लेना है वन। तो बताइए यहाँ से Fe का कंसंट्रेशन तो वन दे दिया, Fe2+ Fe3+ का, तो ये हो जाएगा 1 × Cgm का, देखिए Cgm का भी एक्टिव मास वन दिया है, यानी कि इनका भी कंसंट्रेशन 1 × 1 अपॉन इसका भी 1 और अपॉन इसका भी 1, पूरा सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1, यानी कि यहाँ से आपको रिएक्शन कोसेंट Q की वैल्यू क्या मिल गई, 1 मिल गई, कर सकते हैं। तो चलिए इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख लीजिए। अब हमें क्या निकालना होगा, E सेल निकालना होगा, उससे पहले हमें E नॉट सेल कैलकुलेट करना होगा। तो बताइए E नॉट सेल का फॉर्मूला क्या होगा, E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड, ठीक है, ये आपका एनोड आयरन वाला था तो उसका वैल्यू देख लीजिए ये दिया है। देखिए वैल्यू उठा के रखने से पहले अभी हमने कहा था और हम बार बार कह रहे हैं, आपको चेक करना होगा जो वैल्यू आपको दी है वो SOP है या SRP, Fe3+ चेंजेस टू Fe+, Fe2+ SOP है या SRP, हाँ SRP है, यानी कि इस वैल्यू को हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ये देखिए 4+ है 3+, ये भी क्या है SRP है, इसको भी डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए उठा के रख देते हैं, इसमें ये तो हमारा एनोड है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये हमारा कैथोड है ना, तो देखिए कैथोड की वैल्यू 1.61 माइनस एनोड की वैल्यू 0.77, इसको रख लीजिए, देखिए 11-7 की वैल्यू 4, ठीक है ये कितना हो जाए 15-7 8, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 0.84 वोल्ट। ध्यान रहे ये वैल्यू अभी किसकी है, ई नॉट सेल की, हाँ अभी हमें ई सेल निकालना है। तो चलिए नेक्स्ट इक्वेशन लगा लीजिए, ई सेल का फॉर्मूला बताइए क्या होगा, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 को कैलकुलेशन के लिए हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 0.06 अपॉन एन की वैल्यू कितनी है उसमें 1 लॉग ऑफ क्यू, अच्छा क्यू की वैल्यू कितना आया था मेरा 1। अब यहाँ से देखिए सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, अच्छा ई नॉट सेल तो अभी निकाले थे ना, इसकी भी वैल्यू रख लीजिए यहाँ पर कितना आया था, देखिए 0.84 माइनस। अब हमें ये बताइए लॉग वन की वैल्यू कितनी आ गई 0, हाँ लॉग वन की वैल्यू 0, यानी ये पूरा टर्म 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा टर्म भी क्या हो गया 0, यानी कि हमें यहाँ से क्या मिल गया, ई सेल की वैल्यू ई नॉट सेल की इक्वल होगी, यानी कितनी आएगी 0.84 वोल्ट। ठीक है देखिए हमसे कैलकुलेट क्या करने के लिए कहा था, ठीक है हमसे कह रहा था कि आप हमें ये प्रिडिक्ट करके बताइए कि करंट का फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा होगा। तो बस देख लीजिए आपने भी कैलकुलेट कर लिया आपका ई सेल कितना आया 0.84 वोल्ट। बताइए ये जो ई सेल की वैल्यू है
दिस इज ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो। हाँ दिस इज ग्रेटर देन जीरो। अब बताइए अगर ई सेल की वैल्यू जीरो से बड़ी होती है तो रिएक्शन कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस, यानी को डेनियल सेल की तरह काम कर रहा होगा। आपका ये इलेक्ट्रोड था आयरन का, Fe का, और इधर आपने लगा रखा था कौन, लेड। आयरन और लेड का इक्वेशन है ना, नहीं CGM है, इधर आपने CGM यूज किया है। अब बताइए ये तो आपका ऑक्सीडेशन हो गया एनोड, ये आपका कैथोड, क्योंकि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा होगा। तो अब हमें ये बताइए करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा होगा? हाँ करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा, तो डायरेक्शन क्या हो गया? कैथोड से एनोड। तो आप लिख लीजिए कैथोड, कैथोड पे है कौन, पहले कैथोड लिख लेंगे। कैथोड किसका बना है? CGM का। टू एनोड, एनोड पे कौन है? Fe। यानी कि करंट का फ्लो का डायरेक्शन CGM से लेके किधर की ओर होगा? आयरन की तरफ होगा, यानी कि कैथोड से एनोड की तरफ, जो नॉर्मल होता है। अगर यही पे ई सेल की वैल्यू क्या हो जाती? लेस देन जीरो हो जाती, तो करंट का फ्लो सीधे अपोजिट हो जाता। हाँ तो ये तो रहा एक पार्ट, आइए इसको वेरीफाई कर लेते हैं। अच्छा ई सेल यहाँ तक तो सही था, हाँ देखिए सिंस ई सेल इज ग्रेटर देन जीरो देयरफॉर सेल्स रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस विच मीन्स डेनियल सेल विल बी वीक वर्किंग एंड इलेक्ट्रॉन्स विल बी फ्लोइंग फ्रॉम एनोड आयरन टू कैथोड CGM, ये इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन है, हेंस करंट विल बी फ्लोइंग फ्रॉम कैथोड CGM टू एनोड आयरन। कर सकते हैं, चलिए एक और पार्ट है इसका, हम वो कैलकुलेट करते हैं। अभी हमें इसमें ये भी बताना है, कहाँ गया क्वेश्चन, विल द करंट इंक्रीज और डिक्रीज विद टाइम? टाइम के साथ जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो इंक्रीज कर रहा होगा या डिक्रीज? तो बहुत सिंपल है, अब बताइए वो सारी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? हाँ क्यू और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रिलेशन पर। तो हमारा क्यू तो हमें मालूम है कितना आया था, 1। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें कैलकुलेट करना होगा, तो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू मान लीजिए, आप कंडीशन लगा लीजिए एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के कंडीशन पे अगर लगाएंगे तो बताइए ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। अगर फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए, नहीं तो आप ऐसे कैलकुलेट करना सीखे सबसे अच्छा है। फिर ई नॉट सेल, ई नॉट सेल की वैल्यू भी कैलकुलेट किए थे हम लोगों ने, कितना आया था? 0.84 आया था कुछ। अगर इरेज कर दें, हाँ 0.84 आया है। तो बस यहाँ उठा के आप क्या रख दीजिए, 0.84 माइनस 0.0591 अपॉन नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज 1 था तो उसको लिख लीजिए 0.06 अपॉन 1 लॉग ऑफ। अब बताइए अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यू या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? हाँ इस बार हम क्या लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे। तो बस अब देख लीजिए ई सेल की वैल्यू तो आपकी 0 है, इस वैल्यू को उठा के इधर लेके आइए तो ये बन जाएगा माइनस 0.84 इज इक्वल टू, इधर मिलेगा माइनस ऑफ 0.06 लॉग ऑफ के क्यू, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब देखिए इस माइनस को उड़ा दीजिए, आप 0.06 को भी उठा के इधर ही ले आइए, ये हो जाएगा 0.06 इज इक्वल टू लॉग ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसको सॉल्व करिए देखिए कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिल जाएगा 14 इज इक्वल टू लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये रिलेशन मिलेगा। अब हमें ये बताइए कि लॉग की वैल्यू 14 कब मिलती है? हाँ जब कंसंट्रेशन का टर्म कितना हो, 10^14 हो। याद है हम पिछले लेक्चर में आपको ये सिखाया था डायरेक्ट निकालना। अब देखिए अगर के इक्विलिब्रियम की जगह आप 10^14 रखेंगे तो देखिए कितनी वैल्यू मिलेगी आपको, 14 मिलेगी इसके इक्वल, यानी कि यहाँ से के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हमने निकाल लिया, कितना मिला हमें, 10^14। देखिए के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है 10^14, ठीक है, और क्यू की वैल्यू आ रही है 1। तो देखिए क्या दोनों इक्वल हैं,
नहीं, तब रिएक्शन क्वेश्चन क्या करेगा, अपनी वैल्यू को बढ़ाएगा। हाँ, रिएक्शन क्वेश्चन अपनी वैल्यू को बढ़ाएगा, क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाए। तो देखिए, जैसे क्यू बढ़ेगा, करंट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब हम क्यू बढ़ाते हैं तो बताइए, ईएमएफ ऑफ द सेल यानी कि ई सेल की वैल्यू क्या हो जाती है, घट जाती है। ये घट जाएगा यानी कि करंट की वैल्यू जो आई होगी वो भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये अभी हम पीछे स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन किए थे, और यहाँ पे जो सॉल्यूशन पार्ट होगा पीडीएफ में, वहाँ पे भी इसको एक्सप्लेन किया गया है। कर सकते हैं आप, ये देखिए पूरा सब कुछ यहाँ पे लिखा है, आप पीडीएफ फॉर्म में देख लीजिएगा। नाउ क्यू विल इंक्रीज एट, हाँ, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। हमने यहाँ फॉर्मूला लगा दिया है और वहाँ हमने पूरा रिलेशन से यूज किया था, तो आप चाहे फॉर्मूला यूज करिए या फिर कंडीशन याद रख के आप कंडीशन अप्लाई कर लिया करिए। सॉल्व करेंगे तो देखिए, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 10^14 आएगी। अब देखिए, क्यू की वैल्यू के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से काफ़ी छोटी है, तो क्यू क्या करेगा, अपनी वैल्यू को बढ़ाएगा। क्यू बढ़ेगी तो ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और उसके साथ साथ करंट की वैल्यू भी घट जाएगी। एक बार आप फिर से देख लीजिए कि ये क्यू की वैल्यू बढ़ाने से, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्यू के बढ़ाने से क्या फर्क पड़ रहा है। तो देखिए, रिएक्शन क्या है हमारा, नेक्स्ट इक्वेशन के हिसाब से, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ क्यू, ये होता है ना। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये टॉप पे है, ये भी टॉप पे है, यानी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने चाहिए, लेकिन ये चूंकि निगेटिव वैल्यू है इसलिए ये दोनों कैसे हो गए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो जब आप क्यू बढ़ाएंगे तो लॉग क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। अगर लॉग क्यू बड़ी हो रही है तो बताइए ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी। अगर ई सेल ही कम हो गया यानी कि उसके वोल्टेज डिफरेंस कम हो जाएगा तो करंट भी क्या होगा, कम फ्लो करेगा। यानी कि टाइम के साथ करंट का अमाउंट क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। चलिए, अभी आपका होमवर्क टाइम। ये आपका होमवर्क है, आप इसको घर पे एक बार ट्राई करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको उतना ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, आप कर सकते हैं, ठीक है। इसका ये आंसर है। अब जो क्वेश्चन आपको चैलेंजिंग दिया गया है, इसमें आपको बहुत दिमाग लगाना है। हाँ, ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, इसको थोड़ा छोटा कर दें, दिख रहा है, हाँ पूरा पार्ट विजिबल हो गया है। देखिए, इसमें आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला यूज करना होगा, मोल्स यूज करना होगा, और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है कि इसमें NaOH आपको ऐड करना है, कहाँ पर, हाँ कैथोड पे, जो कि कैथोड किसका बना है हमारा, H2 गैस का बनाया गया है, ठीक है। अब देखिए वहाँ पर, क्योंकि H2 है तो उसमें H+ आयन्स होंगे, हाँ। तो देखिए NaOH जब आप ऐड करेंगे तो वहाँ पे H+ आयन्स होंगे, NaOH से आपको क्या मिलेगा, OH- आयन्स। अब बताइए कि H+ और OH- एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसल, कैसे, वो रिएक्ट करके वाटर बना देते हैं। तो वो कह रहा है कि आप कितना NaOH उसमें ऐड करें कि ये जो H+ आयन हो रहा होगा वहाँ पे, वो पूरा न्यूट्रल हो जाए। न्यूट्रल होने के साथ एक कंडीशन और, जब न्यूट्रल हो जाएगा तो बताइए ई सेल की वैल्यू कितनी होगी। न्यूट्रल का मतलब वो क्या कह रहा है, उस केस में pH की वैल्यू आपको कितनी लेनी है, 7, यानी कि उस केस पे H+ का कंसंट्रेशन कितना हो गया होगा, हाँ 10^-7। ये तो निकालना हमने सीखा था कि जब pH से H+ का कंसंट्रेशन निकालते हैं तो जितनी वैल्यू दिया उसी को माइनस में 10^-7 लिख दीजिए, 10^-7। तो ये कुछ डिटेल्स हम आपको दे दिए, बाकी अब आप ट्राई करेंगे। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हम आपको बता दिए, आप उससे कैलकुलेट करके सॉल्व कर सकते हैं, एक बार ट्राई करिएगा। मोलैरिटी का यूज करना ही करना है, ठीक है। ये काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल दैट, थैंक यू सो मच।